भागदौड़ भरी जिंदगी में और राजनीतिक सत्ता के मोह के आगे कई विधायक गरीबों से खासे दूर चले जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा चुने गए नेता मानवता की मिसाल पेश करते हैं और इंसानियत को जिंदा रखने का काम भी करते हैं। ऐसा ही एक काम कर दिखाया धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने। चामुंडा के समीप 23 जनवरी को मिले साधु के अज्ञात शव का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। साधु तो साधु होता है, उसके ना कोई आगे ना कोई पीछे। ऐसे में साधु के अज्ञात शव को मुखाग्नि देने सबसे पहले आगे अगर कोई आया तो वो धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया आए। उन्होंने ना केवल शव को मुखाग्नि दी बल्कि पिंडदान भी किया। चामुंडा मंदिर के समीप शमशान घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ साधु का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने ना केवल अन्य लोगों को एक संदेश दिया बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश की। प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की गई तो हम लोगों ने जो लीगल फॉर्मेलिटी थी वो सारी करी और ऐसा कोई परिजन इनका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। ऐसे में प्रशासन ने और हम सभी ने स्वयं जिम्मा उठाया कि ऐसे शहीद महात्माओं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है समाज की सेवा के लिए लगा दी, अपनी संस्कृति की सेवा के लिए लगा दिया, तो ऐसे हुतात्माओं का दाह संस्कार का जिम्मा मैंने स्वयं उठाया और हमने प्रशासन को भी बोला कि अगर इस तरह से भविष्य में भी कोई दुखद मृत्यु होती है तो उनका संस्कार हम करेंगे। सभी लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ कहीं पर भी अगर आपके सामने आए तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें ताकि हम लोग अपनी संस्कृति को जो कि हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको बचाए रखें।